टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं फंक्शंस। एक्सेल के अंदर में आप किस तरीके से वीबीए फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, खुद के ऑन फंक्शंस, आप खाए तो वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग के लिए या खुद के लिए कैसे फंक्शंस क्रिएट करोगे, वो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम कवर करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे अब कुछ ऐसे फंक्शन जो एक्सेल में अवेलेबल नहीं है उसी पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी पर्टिकुलर नंबर। मुझे क्या करना है कि इसमें इसमें से सिर्फ नंबर को अलग करना है। किसको अलग करना है? नंबर को अलग करना है, 1, 2, 4, 5 एंड 2, 5 को अलग करना है। अब इसके लिए एक्सेल के अंदर में कोई फंक्शन तो है नहीं क्या? कोई फंक्शन है सर? तो चलिए इसी का हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर में। तो कंसेप्ट ये कहता है कि हर एक नंबर को हम इसका यूज करेंगे। तो हमारे पास डीबीए के अगर एक्सेल के अंदर में एक होता है कोड का फॉर्मूला। कोड क्या करता है? कोड करता है कन्वर्ट नंबर को करेक्टर में, और कैर क्या करता है? कन्वर्ट करता है वापस करेक्टर को नंबर में, नंबर को करेक्टर में, कोल है कैर। और एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है सब्स्टिट्यूट, किसी पर्टिकुलर करेक्टर को रिप्लेस करता है किसी और करेक्टर में। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास इसको जो कोड निकलता है, कोड क्या आता है? ए स्काई वैल्यू आता है। क्या एक्सेल क्या करता है? हर नंबर हर डिजिट का एक कोड रख रखा है। अब उस कोड के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास गूगल पे सर्च करते हैं, एक वेबसाइट है एक्सेल वीवीए फंक्शन। आप इस वेबसाइट को कीजिए, टेक ऑन द नेट का वेबसाइट है। इसमें ये रहा SHE स्काई वैल्यू। तो एक्सेल में अंदर में जैसे ए के लिए हम 65 और ओ 95 इंच ये ढूंढते हैं, तो ए आपके पास करेक्टर्स है। ए 30 आपके जो है 33 से स्टार्ट होते हैं और 127 तक चलते हैं, जो कि करेक्टर आपका स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आपका 65 से। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि 65 से लेके और जो 127 तक के जितने भी नंबर्स मिले उसको क्या करें? रिमूव कर दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। हम लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन उसका नाम हम स्ट्रैक EN के नाम से बना दिया, स्ट्रैक नंबर। और इनपुट क्या होगा? इनपुट मैंने बोल दिया टेक्स्ट, एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे कहते हैं ये क्या हो गया? अब जब फॉर्मूला कहीं पे लगेगा तो आप देखिएगा EN नाम का फॉर्मूला आ गया, और इसके ऊपर जो हमने A1 की वैल्यू असाइन की, A1 की वैल्यू को सीधे पिक करेगा टेक्स्ट। ठीक है, फिर यहां पे हम लूप लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू कितना बार चले, जैसे कि हमने क्या देखा था इस वेबसाइट में, हमने वेबसाइट में देखा था कि 65 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने बोल दिया कि 65 to 127। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिवीज होता है डिम टी एज ए स्ट्रिंग, और टी के ऊपर हम असाइन कर लेते हैं EN को, सॉरी EN नहीं, टेक्स्ट को, TEXT टेक्स्ट को। फिर कहते हैं टी इक्वल टू हो जाए। अब क्या है कि हमने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला पढ़ा था, तो VBA में होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या? रिप्लेस किसके अंदर करना है? तो मैंने बोला रिप्लेस करना है टी के अंदर। क्या रिप्लेस करना है? तो मैंने बोल दिया CHR इसके अंदर में आई किससे करना है? तो ब्लैंक से।
और फिर यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट आई, और जो वैल्यू टी पे फाइनल हुई है वो ई एन पे असाइन हो जाएगी। अब देखिए इसका खेल जादू हो गए। अब इस फॉर्मूले के इस फंक्शन को समझिए। देखिए फंक्शन के तीन पार्ट होते हैं, कोई फॉर्मूला बनाते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट था डिक्लेरेशन, हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, तो फंक्शन जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं ऐसे यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। और ई एन जो हमारा ई एन है वो फंक्शन का नेम है, तो नेम जैसे हम माइक्रो नेम में जो चीज़ें कंसेप्ट फॉलो करते थे वही कंसेप्ट यहाँ भी हम फॉलो करेंगे। फिर आता है टेक्स्ट एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एज ए स्ट्रिंग दिया ए टेक्स्ट दिया, ए इनपुट्स होता है कि जब जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हो, जब आप इफ का फॉर्मूला लगाते हो तो इफ के अंदर में आपके पास ये है ना इनपुट्स है ना, तीन इनपुट्स की लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स, ऐसे यहाँ पे कंडीशंस है, तो कंडीशंस यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आता है हमने एक अंदर किया क्या इस टेक्स्ट को असाइन कर दिया, हम 65 से 127 बार इसको चलाएंगे और टी जहाँ पे हमारे पास टी है यहाँ पे, ठीक है। हमने बोला रिप्लेस करो टी के अंदर की जो कैर आई, कैर क्या करता है यहाँ पे इसे बताया था कि करेक्टर को कोड में कन्वर्ट करता है, तो करेक्टर को इसने कोड में कन्वर्ट करता है और कोड को वापस करेक्टर में, तो सी एच आर कैर यहाँ पे होता है सी एच आर, लेकिन वी वी ए में सी एच आर ही होता है, और यहाँ पे हमने आई नंबर दे दिया। तो फर्स्ट टाइम 65 ए है, तो ए को रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से, है तो रिप्लेस करेगा, नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे 127 बार चलेगा, जितने भी अल्फाबेट्स है सबको रिप्लेस मार देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आई कर देगा, आया समझ में। आरएनजी आ गया आपको, बाद में जो फंक्शन नेम है उस पर हमने असाइन कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू टेक्स्ट फंक्शन में आई है, किसमें आई है टेक्स्ट में, ठीक है ना, क्योंकि रिप्लेस का जो रिटर्न होता है वो टेक्स्ट में रिटर्न करता है और ऑल्सो टी भी टेक्स्ट है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप यहीं पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो कि डिम एन एज ए लॉन्ग, और फिर वापस यहाँ पे एन इक्वल टू टी और यहाँ पे वापस एन करो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका अब ये नंबर फॉर्म में नंबर में बन के आ गया, नंबर बन के आ गया, राइट साइड में हो गया ऑटोमेटिकली, या फिर इतना झमेला नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सा एक और मेथड है इसके अंदर में। मेथड ए है कि यहाँ पे राइट लॉ एज ए लॉग, फंक्शन का आउटपुट डिक्लेयर कर लो कि कैसा होगा, तो मैंने फंक्शन का आउटपुट डिक्लेयर कर दिया एज ए लॉन्ग, मतलब कि ये लॉन्ग में रिटर्न करेगा, ठीक है, आया समझ में। अब इस फंक्शन को चाहो तो वीवीएम में यूज करो चाहे एक्सेल में यूज करो। अब चलिए दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, दूसरा फंक्शन भी सेम पेम लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर करेक्टर के लास्ट में करेक्टर के बाद इस तरीके से डैश लगा दे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन यहां पे हम करेंगे, फंक्शन नाम दे देते हैं टी एस के नाम से टेक्स्ट डैश, और फिर यहां पे करते हैं टी एस टी टेक्स्ट एज ए स्ट्रिंग। उसके बाद हम यहाँ पे एक और डिम टी एज ए स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे हम करेंगे, अब इसमें कितना बार चलाना है, जितना बार इसका लेंथ है, तो इसका लेंथ है किससे पता चलेगा, तो एक्सेल में होता है लेन फॉर्मूला एल ई एन लेन, तो लेन लगा लीजिए, लेन पता चल गया। तो सेम ऐसे ही यहां पे हम करेंगे कि फोर आई इक्वल टू चलेगा 1 2 एल ई एन लेन, लेन से लेन इक्वल टू टी एक्स टू टेक्स, ठीक है। कोई डाउट सर,
उसके बाद यहाँ पे हम डी के साथ मैंने कॉन्कैटेनेट कर दिया डैश, और फिर मैंने फॉर्मूला लगाया मिड का, MID मिड बाय केर ओपन, मैंने यहाँ पे दे दिया टी कॉमा आई कॉमा वन, ठीक है, और फिर कर दिया यहाँ पे NEXT नेक्स्ट आई, वापस TS=, हमने कर दिया डी। इस पर लगा के देखते हैं, अभी सही तरीके से नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। हाँ, इसमें गड़बड़ है, वो हाँ पी पे तो असाइन ही नहीं किया, T=TEXT टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ भी टेक्स्ट की जगह टी कर लो सही रहेगा। ठीक है, आप कहते हैं ठीक है, लेकिन पहले भी डैश लगा दे, क्यों? क्योंकि देखिए अभी क्या करता है कि समझिए, सबसे पहले हमने टी एस फंक्शन है, और एक हमने इसका जो ये था टेक्स्ट जो था, मतलब कि एक टेक्स्ट इनपुट डिफाइन कर लिया कि एक इनपुट होगा, फिर मैंने स्ट्रिंग लिया उस पर टेक्स्ट अप्लाई कर दिया, फिर मैंने बोला कि फॉर 1 2, मतलब इतना बार लूप चलो जितना बार इस टेक्स्ट मतलब कि इनपुट टेक्स्ट का लेंथ है, जितना लेंथ है उतना बार चलेगा, और हर बार क्या करेगा कि डी के साथ कंबाइन करो उसकी मिड का पोजिशन, तो जब मिड निकलेगा तो कुछ इस तरह से निकलेगा, देख लीजिए, जब मिड निकालेंगे हम तो पहला मिड निकलेगा तो MID मिड, इसको सिलेक्ट किया और आई क्या होगा, वन होगा, 1,1 तो 1 निकल जाएगा, ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा, डी इसके ए डैश के साथ कॉन्कैटेनेट करेगा 1 को, तो पहले लूप में रिजल्ट ये आएगा, फिर दूसरा बार जब मिड चलेगा तो दूसरा बार जो मिड होगा, दूसरा जो मिड होगा उसमें क्या होगा, उसमें I2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमा 1, तो ये आएगा 2 आ गया, देन अब क्या होगा कि इसके साथ कंबाइन होगा ये, इसी प्रोसेस को जितना लेंथ है उतना बार दोहराएगा। ठीक है, समझ गया, तो ऐसे कंटिन्यू, तो मिड में जो है ना, मिड क्या होता है, पोजीशन के हिसाब से चलता है, तो उस केस में इसका यूज करते हैं, तो यहां पे बात यहां पे आती है कि आगे जो डैश लगा उसको रिमूव करने की, आगे जो डैश है उसको रिमूव कैसे किया गया, तो सिंपल सी बात है, हम यहां पे लगा देंगे फॉर्मूला इसका राइट का, राइट हमने बोला कि इसमें से इसकी लेन, जो लेन है डी -1, एक कम ले लो, तब यहां पे देखिए इसका आगे का हट जाएगा, हट गया, किसका यूज कर लिया हमने, क्या सर? हाँ सुन रहा हूं, समझ आया आपको? अब चलिए, तो छोटी मोटी चीजें थी, इसको अनयूजुअल बोलते हैं, इसको कोई ऑफिशियल यूज तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई ऑफिशियल यूज वाली मैंने आपको चीज करनी है, मतलब कि मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ डेट, स्टार्ट डेट, और यहाँ पे मन स्टार्ट डेट, और यहाँ पे एंड डेट, एंड डेट मतलब कि ये समझो ना कि 11 30 डाल देते हैं, 30 तीसरा हो गया ना, तीसरा महीना है ना,
ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच में अगर मुझे पता करना हो कि संडे कितना है, तो संडे या मंडे या ट्यूसडे पर्टिकुलर डेट का काउंट पता करना है। तो इसके लिए एक्सेल वीजीए के अंदर में फंक्शंस नहीं होते, सॉरी एक्सेल के अंदर में फंक्शंस नहीं होते हैं, और हम उसको इससे एरे फॉर्मूला से करते तो है, लेकिन काफ़ी लेंदी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो उस लेंदी प्रोसीजर को कम कैसे किया जाए, तो चलिए इसके लिए हम फंक्शन ही लिखते हैं। सब यहाँ पे लिखते हैं काउंट डेज, सब नहीं होगा माफ किया, फंक्शन हो गया यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे इनपुट में तीन है, एक होगा स्टार्ट डेट एज ए डेट, फिर यहीं पे सेम होगा एंड डेट एज ए डेट, और एक आपके पास होगा डेज, एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तीन इनपुट होंगे, तीन इनपुट डिफाइन कर लिया। अब हम जानते हैं कि एक्सेल जो है डेट को नंबर में रखता है, लगता है ना, तो हम यहीं पे करेंगे कि फोर आई इक्वल टू एस डेट टू ई डेट, ठीक है। फिर अब किसी पर्टिकुलर डेट से मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ ए क्या है, मतलब कि इसका डे क्या है, तो हम लगाते हैं फॉर्म इसका टेक्स्ट का फॉर्मूला एक्सेल के अंदर में, और उस पे हम नंबर फॉर्मेटिंग मतलब कस्टम फॉर्मेटिंग का यहाँ पे डी 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 तीन बार डी डी डाल देते हैं, संडे मंडे आ जाता है, पर टेक्स्ट फॉर्मूला एक्सेल में काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मेट। तो डी इक्वल टू एक डी नाम का ले लेते हैं फॉर्मेट, इसके अंदर में आई कॉमा डी 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 तीन बार डी डी डालते हैं एंटर, कि कंडीशन होगा कि इफ डी, अब प्रॉब्लम है कि ये भी हो सकता है ना, अल्प इसमें के सेंसिटिव होता है, वहाँ पे बड़ा छोटा लिख सकता है, तो हम यू केस कर देते हैं, दोनों में कन्वर्ट कर देते हैं, डी इज इक्वल टू यू केस इसके अंदर डाल देते हैं डेज डेज, ठीक है, देन सी डे इक्वल टू सी डे प्लस वन, यहीं पर डाल देते, एक और ब्रेवल लेने की जरूरत ही नहीं है, देन एलिफ और नेक्स्ट एन ई एक्स नेक्स्ट आई, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला किसका, सी डे का स्टार्ट डेट एंड डेट, और हमने डाल दिया संडे, इसमें माफ कीजिएगा इसमें मैंने छोड़ दिया था, अब यहाँ वर्क हो जाएगा आपका, तो देखिए हाँ आ गया संडे, 5 आ गया, इस महीने में 5 संडे है। अब एक बार चेक कर लेते हैं रिजल्ट, एस यू 1 2 3 4 5 5, ओके कोई डाउट इसमें, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया नंबर ऑफ डेज। अब पर प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज आपके साथ यहाँ पे ये आती है कि जैसे कि मैंने फॉर्मेट लगा लिया, यहाँ पे मैंने रिप्लेस लगा दिया, मिड लगा दिया, ये फॉर्मूला आपको पता नहीं, तो फंक्शन में आगे हम बढ़ने से पहले इस फॉर्मूले के अंदर को जान लें कि एक्सेल वीबीए फंक्शन कौन कौन है और इसका क्या रोल है, क्या कर जैसे फॉर्मेट लगा दिया, मिड लगा दिया, लेन लगा दिया, रिप्लेस लगा दिया, सीएचआर लगा दिया, ऐसे फंक्शन अगर मुझे पता हो जाए तो आगे चल के हमें सहूलियत होगी। तो उसके लिए पूछिए, हाँ हाँ
हाँ मॉड्यूल में कॉल कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए ना ये पता करना है, एक नंबर आता हूँ, इन शॉर्ट एक और मॉड्यूल ले लिया हमने, सब्जेक्ट आ रहा है। अब मैं वो चाहता हूँ कि मैं करता हूँ डी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, ठीक है, और इसमें मैंने बोल दिया एंटर योर नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ जो टी एस नाम का फॉर्मूला है, टी एस नाम का फॉर्मूला के साथ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एम एस जी बॉक्स और सीधे लिखूंगा टी एस ब्रैकेट के अंदर में डी, ठीक है, अब रन होगा, रन होते माफ कीजिएगा डिम डी एज ए स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया सुचीत एंड ओके किया, तो यहाँ देखा आपने, ठीक है ना। तो आप हम वीजे फंक्शन बनाते इसीलिए हैं कि दो तरीके, एक तो जो जैसे कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेज का नहीं था हमारे पास फॉर्मूला है, पता करना है कि इस महीने कितने संडे पड़ रहे हैं, कितने वीक ऑफ है, या कुछ ऐसी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। दूसरा ऐसे काम जिसके लिए एक्सेल के अंदर में फंक्शन बना ही नहीं है, या फिर ऐसी कैलकुलेशन के लिए मुझे हर जगह उसको यूज करना है और बार बार मुझे कोडिंग लिखनी पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी एस का, अब टी एस को कहीं भी, अब यहाँ पे अगर टी एस फंक्शन नहीं बनाया, मान लो टी एस तीन चार जगह पे यूज करना है, तो हमें हर जगह पे एक कोडिंग लिखनी पड़ती पूरी की पूरी, तो हमने एक फंक्शन बना दिया और हर जगह बस टी एस को कॉल करना है, ठीक है। हेलो, तो अब इसमें इसमें आता है कि आगे बढ़ने से पहले हमें फंक्शंस की ग्रेड हो जाए, तो मैं आप लोगों को एक लिंक भेज रहा हूँ, ये रहा एक्सेल वीवीए फंक्शन लिस्ट बाय कैटेगरी, इसके अंदर में टोटल 53 के आसपास वीवीए फंक्शंस हैं, इसको पढ़ लीजिए, फिर हम इसको यूज करेंगे अपने एक्सेल के अंदर, ठीक है, इसमें पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। अब जैसे लेन देख लीजिए, सी एच आर देख लीजिए, फॉर्मेट देख लीजिए, रिप्लेस देख लीजिए, केस यू केस दे दीजिए, वैल देख लीजिए, इसमें पूरा एग्जाम्पल के साथ और अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, फर्स्ट टाइम मैंने भी इसी से सीखा था, ठीक है ना। तो आप और इसमें देख लीजिए, इसमें दो चीजें हैं कि एक जिसमें डब्ल्यू एस लगा हुआ है और वी वी ए लगा हुआ है, एक फॉर्मूला एक्सेल एक्सेल वर्कबुक पे भी चलता है और आपके वी वी ए में भी चलता है, लेफ्ट हुआ लेन हुआ, इसको हम एक्सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ जिसमें सिर्फ वीवीए लगा, यहाँ सी एच आर में वीवीए लगा हुआ है, तो इस मतलब कि सिर्फ वीवीए का फंक्शन है, एक्सेल का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो एक लिस्ट क्रिएट करो और इसको हर एक चीज को, हर एक का अप्लाई करो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके वीवीए के अंदर टूल्स बनेंगे, अगर यही चीज आपके पास ना हो तो फिर बड़े लूप सूप लगाने पड़ेंगे आपको, तो ये आप इसको पढ़ लो, और खासकर आप पढ़ना इसमें इसको जो पढ़ोगे आप लॉजिकल को खास अच्छी तरीके से पढ़ना, दूसरा आप डेट एंड टाइम फंक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना, फाइनेंशियल ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो एक्सेल की फॉर्मूले हैं आप पढ़ भी सकते हो, और दूसरा ये फाइल स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ना, ये दो तीन चीज इंपॉर्टेंट चीज है, फिर मैं इसका मैक्रो के अंदर में एक इसके अंदर में यूज करके सिखाऊंगा, ठीक है सर। तो ये लिंक आपको मैं भेज दे रहा हूँ चैट पे, अभी आप लोग कॉपी कर लीजिए, अभी रिकॉर्डिंग्स मैं अभी अभी इनकी मेल से निकाल कर दे देता हूँ, ठीक है अभी दे देता हूँ, और इसकी करके दीजिए, तो फिर हम कल आप फंक्शन की तरफ चलेंगे और फंक्शन को कल परसों में खत्म कर लेंगे, फिर यूजर फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है आर्यन जी। तो फंक्शन को आप यहाँ से एक बार देख लो, बहुत अच्छी साइट है, जिसने बनाई है पता नहीं किसने बनाई है, लेकिन जिसने ही बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, आर्यन जी आपने जो मुझे सही पूछिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
मिनट, आर्यन जी, आपने जो आज डिफरेंस क्लासेस की जो लिस्ट भेजी थी आपने, उसका नहीं, क्लासेस का लिस्ट भेजा था ना आपने? हाँ, भेज